आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अंतर जनपदीय चोर गिरोह के सरगना सहित चार गिरफ्तार। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां हाईवे पर मोबाइल छिनैती और बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जनपदीय चोर गिरोह के सरगना सहित चार लोगों को पुलिस ने शनिवार को गोपीगंज के मिर्जापुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी और छिनैती के 27 मोबाइल फोन, 3 बाइक और 3 तमंचा बरामद किया गया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 27 मई को राजपुर ढाबा के पास से एक व्यक्ति के मोबाइल फोन की छिनैती हो गई। इसी तरह भिटी ओवरब्रिज, कुरमैचा और धनापुर गांव के पास भी उचक्कों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे को जानकारी हुई कि चोर गिरोह के लोग मिर्जापुर तिराहे पर खड़े होकर योजना बना रहे हैं। तत्काल प्रभारी साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई और मौके पर जाकर टीम ने घेराबंदी कर वाराणसी जनपद के मिर्जा मुराद थाना के जोगियापुर निवासी विकास बिंद, धर्मेंद्र गिरी और टिंकू बिंद व चौरी के सुरहन निवासी महेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर छिनैती की गई बाइक, चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि चोरों के खिलाफ भदोही के अलावा वाराणसी जिले में 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना गोपीगंज से प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक महेंद्र पटेल, उप निरीक्षक रामाधार यादव, मुख्य आरक्षी स्टार्लिंग सिंह, मुख्य आरक्षी संजय कुमार, मुख्य आरक्षी अनिरुद्ध, आरक्षी दिनेश यादव, आरक्षी संजय जायसवाल, आरक्षी रंजीत वर्मा, आरक्षी अंकित यादव, साइबर सेल से प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक अरविंद यादव, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश यादव, आरक्षी राधेश्याम कुशवाहा, आरक्षी अंकित त्रिपाठी, आरक्षी रोहन वर्मा, आरक्षी अमित राय आदि शामिल रहे। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। मामला कितने लोग पकड़े? ये साइबर सेल टीम भदोही और थाना गोपीगंज की टीम ने एडिशनल एसपी साहब भदोही और सीओ ज्ञानपुर के कुशल नेतृत्व में पिछले कुछ समय से हो रही मोबाइल लूट की जो घटनाएं थी उसको टीमें बनाकर उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में इन टीमों द्वारा कल चार अपराधियों को आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये जो चार अपराधी हैं, इनके नाम धर्मेंद्र, महेश, टिंकू और एक और इनका विकास नाम का साथी है। इनमें से तीन लोग वाराणसी के रहने वाले हैं और एक चौरी थाना भदोही का रहने वाला है। ये लोग हाईवे पे लूट करते थे और इनके पास से दो बाइक बरामद हुई हैं, अपाचे पल्सर। उसमें से दो बाइक जो हैं वो लंका और सीगरा थाना वाराणसी से चोरी की हैं। इन बाइकों का इस्तेमाल ये लोग जगह जगह पर लूट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो 27 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं, इनमें से 8 मोबाइल जनपद भदोही की लूट की विभिन्न घटनाओं से कनेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा अन्य जो मोबाइल हैं उनको शीघ्र ही सर्विलांस टीम द्वारा और पड़ोसी जनपदों के थानों से संपर्क करके उनको भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा इनसे 3 तमंचे भी बरामद हुए हैं। ये जो लड़के हैं ये लगभग 20-22 साल की उम्र के चारों लड़के हैं और लगातार ये लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस सराहनीय काम के लिए जो साइबर सेल की टीम और जो थाने की टीम है उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।